I pass in the street. Bag of money in the passenger seat. Simple's been asking for me. On the road from the west to the east. Way up, I might never come down. Cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down. So what, this is my lifestyle. Wait a minute. अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको अपनी पिछली कोई एक दो पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं इस्लामाबाद के अंदर कुछ लोकेशंस आपको दिखाने वाला हूँ इस तरह की, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 110% प्रॉफिट होगा ही होगा, कोई दो राय है ही नहीं। आपको ये जगह बताने की जो रीजन है वो ये थी कि रियल स्टेट से बहुत सारे लोगों का हमेशा कहना होता है कि हम पैसे नहीं कमा सकते, मतलब फ्रॉड हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मेरा काम ये है कि आपको जगह बता देना कि ये अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे तो आपको इतने टाइम में इतना फायदा हो जाएगा, ये आप पूरे पैसे दे के प्लॉट ले लेंगे तो आपको इतने टाइम में इतना फायदा हो जाएगा। मेरा काम ये है। तो आजकल क्योंकि मार्केट क्रैश हुई है और आगे मार्केट फ्यूचर में बहुत ऊपर जाने वाली है रियल स्टेट की, तो इस वक्त मेरा ये काम बनता है कि जो लोग मेरे साथ अटैच हैं मैं उनको बता दूं कि भाई ये जगह ऊपर जाने वाली है। आज के तुम्हारे इन जगहों पर लगाए हुए हजारों, कल के लाखों लाखों, करोड़ों और करोड़ों अरबों होंगे, क्योंकि रियल स्टेट की मार्केट ने ऊपर जाना है। आजकल मार्केट क्रैश है, हर कोई परेशान है, तो इसलिए लोग चीजें बेच रहे हैं। मेरा काम है आप लोगों को बताना कि जब ये मार्केट ऊपर होगी तो कौन सी जगह स्पीड से ऊपर जाएंगी। तो उनमें से मैंने आपको कहा था कि वो तीन लोकेशंस है इस्लामाबाद की, वो आपने मार्क कर लेनी है और उनके रेट ऊपर जाते आपने देखने हैं। उसमें से पहली जगह पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। इस रोड को मैं कई दफा आप लोगों को बता चुका हूँ, ये E11 मार्गला रोड से स्टार्ट होती है, D12 से होते हुए और GT रोड तक ये आती है, यानी कि GT रोड का मकसद है कि B17 तक। और मार्गला रोड इस्लामाबाद का दिल है, हमेशा से दिल रही है, कोई ये वाली रोड नहीं, दिल है। और इसके पीछे ये व्यूज आपको मेरे पीछे वैसे ही नजर आ रहे होंगे, बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ से आप ब्लू एरिया हार्डली 5 से 10 मिनट में पहुंच जाते हो, जबकि चक्री से ब्लू एरिया आपको आते हुए 50 मिनट लगेंगे। तो ये इस्लामाबाद के अंदर सबसे लोएस्ट रेट के ऊपर सबसे नियरेस्ट प्लेस है जिसने आगे फ्यूचर में आगे जाना है, क्योंकि यहाँ मेन रोड बन गया और मार्गला रोड मैं कहूंगा कि बात का सबसे बड़ा रोड है, वो बने तो उसकी वजह से रेट वैसे ही इंक्रीज होने। तो मेरा काम कि आप लोगों को बताना कि एक ये लोकेशन है, इस पे CDA के भी सेक्टर्स है, C14 है, C15 है, C16 है, आगे जो है ना वो शाला देता भी है, ये सारी जगह भी इसके ऊपर लगती है। 5 मरले का प्लॉट 30 लाख का भी मिलता है, 35 लाख का भी मिलता है, 40 लाख का भी मिलता है, डाउन लोकेशन पे 25 लाख का भी मिलता है, कहीं कहीं पे 22-23 लाख रुपए का भी मिल जाता है। मगर ये वो सब जगह है जहाँ पर आप सस्ते रेट में आखिरी दफा इस्लामाबाद में घर बना सकते हैं, आपका अप्रोच ब्लू एरिया ये हाथ लगाएंगे तो ब्लू एरिया पहुंचे, इतनी नजदीक है यार। तो ये जगह भी कुछ टाइम के बाद आसमान पे पहुंच जाएंगी। मेरा काम है आप लोगों को बताना, इन्फॉर्म करना कि भाई साहब, मेरी प्यारी बहनों, ये भी जगह सारी हाथ से निकल जानी है। तो एक ये लोकेशन है, मैं आपको रोड के ऊपर चल के थोड़ा सा जो है ना रोड दिखाता हूँ कि रोड कितना जबरदस्त तैयार हुआ है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह जो है ना वो मैं दूसरी लोकेशन दिखाऊंगा, और फिर उससे अगली एपिसोड के अंदर आपको उससे अगली लोकेशन दिखाऊंगा। मगर आज आप मार्गला रोड देखें, इसके साथ व्यूज देखें और सोचें कि यहाँ पर आपका फ्यूचर में घर हो या आपने इन्वेस्टमेंट की हो तो ये जगह कितनी ऊपर जाएगी। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत सड़क है जिसका नाम है मार्गला रोड। पहले आपने मिस किया होगा 1970s में कुछ हजारों वाले प्लॉट्स आज लिटरली एक एक अरब रुपए का प्लॉट है। और दोबारा हमारी जिंदगी में हमें आप समझ लें कि ये तकदीर ने मौका दिया है कि हम लोग फिर मार्गला रोड के ऊपर सस्ते प्लॉट्स ले सकते हैं। इस दफा ये मौका हाथ से ना जाता है। मार्गला रोड के ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का जो है ना वो डेवलप है। आए चलते हैं। थैंक यू। Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simple's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute.